आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तगशाई में प्रधानाचार्य कमल किशोर शर्मा की अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत विद्यार्थियों द्वारा नेशनल हाईवे से स्कूल तक के पैदल रास्ते में पड़े पॉलीथीन तथा शराब की खाली बोतलें हटाई गई। गौरतलब है कि ये विद्यालय नेशनल हाईवे से लगभग 300 मीटर सीधी चढ़ाई के साथ लगता है। विद्यालय जाते समय चीर का घना जंगल है, जहां पर शराबी शराब पीकर खाली बोतलें एवं कूड़ा करकट इधर उधर फैलाते रहते हैं, जिस पर कई बार प्रधानाचार्य द्वारा एसएमसी सदस्यों तथा पुलिस प्रशासन को भी अवगत करवाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उक्त रास्ते में शराब पीने तथा कूड़ा करकट फैलाने जैसी गतिविधियां जारी है, जिसका विद्यार्थियों के जीवन पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। इसी के तहत उक्त रास्ते में आज सफाई अभियान चलाया गया तथा प्रधानाचार्य द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि उक्त समस्या की शिकायत को फिर से स्थानीय पुलिस एवं एसएमसी को दी जाएगी, ताकि आगे से इस प्रकार की गतिविधियां उक्त रास्ते में ना हो सके। इस दौरान विद्यालय के अध्यापकों में अश्वनी गौतम तथा मोनिका, सुनील मेहता एवं टिकम राम भी उपस्थित रहे। आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों द्वारा पर्यावरण को साफ करने के लिए और जो रास्ता है हमारा दो लेन से पड़ता है, तो उसमें बच्चे भी आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, जहाँ नज़दीक में एक ठेका भी है, तो वहाँ से दारू पीने के लिए इस जंगल में आ जाते हैं और रास्ते में बोतलें फेंकते हैं, साथ में जो पॉलीथीन है नमकीन खाते हैं उसको भी हम रास्ते में फेंकते हैं। तो बच्चों को और किसी को भी रास्ते में यहाँ अच्छा नहीं लगता, और यहाँ आमतौर पर लोग ऊपर बैठे होते हैं, जितना भी जंगल है सारे जंगल में पॉलीथीन ही पॉलीथीन है और शराब की बोतलें हैं। एसएमसी से भी और पंचायत से भी या कंटोनमेंट एरिया वालों के लोगों से भी ये कहते हैं कि यहाँ बिल्कुल पुलिस वालों को भी हम आज पता लिखेंगे कि यहाँ रेड मारी जाए और यहाँ जंगल में किसी भी ऐसे कुत्ती तत्वों को ना आने दें जो कि इस स्कूल के रास्ते को गंदा करते हैं। धन्यवाद। मैं दक्षाई विद्यालय की अध्यापिका हूँ। मैं प्रशासन से ये अनुरोध करती हूँ कि जो ये बच्चों का रास्ता है, ये इस रास्ते की सफाई का ध्यान रखा जाए और जो भी शरारती तत्व यहाँ पर आकर सफाई की व्यवस्था को अव्यवस्था फैलाते हैं, उनके लिए उचित कार्यवाही की जाए और समय समय पर पुलिस की गश्त यहाँ पर रखी जाए। दो वक्त ऐसे पर किए जाए जब पुलिस यहाँ आकर ये रास्ता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दक्षाई को के मुख्य सड़क से जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों से हम देखते हैं कि कुछ शरारती तत्व यहाँ पर आकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर शराब का सेवन करते हैं। स्कूल का रास्ता हमने कई बार उनको कहा भी जब वो हमारे सामने आते हैं कि यहाँ पर मत बैठा करो, स्कूल का रास्ता है और यहाँ पर बच्चों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। कभी 4 बजे जब छुट्टी होती है उसके बाद आते हैं, शाम तक शायद यहाँ लगा रहता है उनका तांता यहाँ पर, और खाली बोतलें और पॉलीथीन बैग यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं। कई बार उनको बोला, उनको समझाया, तो आज हमने बच्चों को यहाँ पर ला करके एक सफाई अभियान चलाया। मेरा प्रशासन से अनुरोध है और यहाँ पर कैंट एरिया से भी अनुरोध है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। थैंक यू। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दक्षाई का एक छात्र हूँ। आज हमने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दक्षाई के मार्ग पर साफ सफाई की, जिसके दृष्टि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारा कूड़ा उठाया, यहाँ पे शराब की बोतलें कूड़ा करकट जो अभी लोग चला के चले जाते हैं आज यहाँ पे किया है। हमारे ऊपर इसका बहुत असर पड़ता है, शराब की बोतलें हैं, बच्चे उनके काज छूट जाते हैं, जिसमें से उनके वो चोटें भी आ सकती है, तो इसलिए आज हमने यहाँ से सारा कूड़ा उठाया और हम आगे नहीं करते हैं, आज के बाद यहाँ पे ऐसा ना हो, इससे हमें बहुत खुशी होगी और पर्यावरण को भी बहुत सुरक्षा मिलेगी। धन्यवाद।